प्रदेश में मॉनसून की झमाझम का दौर जारी है। अगले एक सप्ताह तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बांधों में भी पानी की आवक तेज हो गई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बांधों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार सचेत नहीं है। इस मॉनसून में बांध में डूबने की घटनाएं ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में सुरक्षा कड़ी अगर कर दी जाए तो मौत के आंकड़ों में कमी लाई जा सकती है। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश के बांधों में इस मॉनसून पानी की आवक के चलते कुल भराव क्षमता का 55.52% पानी हो गया है और इसमें भी जयपुर संभाग के बांधों में पिछले मॉनसून से ज्यादा पानी दर्ज हुआ। ऐसे में विभाग की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि बांध पर घूमने आए लोगों को बांध के पाल से दूर रखा जाए ताकि बांध पर मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी नहीं हो, क्योंकि बारिश जनित मामलों में 27 लोगों की जान चली गई और इसमें 12 लोग बांध में डूबने से मरे हैं। वहीं बांधों में कुल भराव क्षमता का 55.52% पानी आ गया। कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 75.60% पानी, जयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 53.23% पानी, बांसवाड़ा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 52.30% पानी, उदयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 30.82% पानी, जोधपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 26.17% पानी आ गया है और प्रदेश के 142 बांध लबालब हो गए हैं तो 372 आंशिक रूप से भरे हैं। बीसलपुर बांध का जलस्तर दोपहर 2 बजे तक 312.30 मीटर हो गया है। बीसलपुर बांध में 5 महीने के पानी की आवक हो गई है। वहीं जयपुर संभाग के बांधों में पिछले मॉनसून से ज्यादा पानी आया है। बांधों में कुल भराव क्षमता का 53.23% पानी आ गया। जयपुर संभाग में अच्छी बारिश के चलते बांधों में पानी की आवक और बढ़ेगी। प्रदेश में बांधों की स्थिति पर जल संसाधन विभाग की सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है, लेकिन विभाग के आला अधिकारी ये कहकर बचने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी की कमी है। एक ही जवाब मिल रहा है कि जब तक वर्क चार्ज कर्मचारी थे तब तक बांधों पर सुरक्षा बेहतर थी, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण अब सुरक्षा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मॉनसून के दौरान ठेका कर्मचारी लगा दिए जाएं तो भी बांधों पर हो रही मौतों का आंकड़ा कम हो सकता है। प्रदेश में मॉनसून की मेहर के बीच बांधों में पानी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि जयपुर संभाग के बांधों में पिछले साल से ज्यादा पानी की आवक हुई है, लेकिन गम इस बात का भी है कि बांध की पाल पर लगातार हो रही मौतें चिंता बढ़ा रही है। बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी संभालने वाले कह रहे हैं कि बांधों पर सुरक्षा के लिए उनके पास कर्मचारी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बांधों की सुरक्षा कौन करेगा। कैमरामैन तीरथ के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।